अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पर अजीबो गरीब बातें सुनने में आती। उनमें से एक अजीबो गरीब बात यह है कि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुजराए मुबारक में दफन होना चाहते और इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने किया। और वो ये वही हुजरा है जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का हुजराए मुबारक था, और इसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ऑलरेडी मदफून थे। लेकिन जो हजरत आयशा पर इल्ज़ाम लगाया जाता है रवाफिस की तरफ से कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने हजरत हसन को इजाजत ही ना दी कि वो उस हुजरे में दफन, ये सरासर बहतान है, झूठ है और बकवास है और इसके सिवा कुछ नहीं। जब हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से मुतालिक ये एक और झूठ भी बोल सकते हैं जिसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से बात की कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा को ये कहते हैं हजरत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने उन्हें शहीद किया, हजरत आयशा का कत्ल किया गया, माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। इतना बड़ा झूठ, और जब वो वाकया जो है हमने बयान किया कि उसका उसके अंदर ज़री सी भी सच्चाई नहीं, और हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा बीमारी अलालत के बाद आप फौत हुई और उसमें फिर सहाबा कराम के आपके पास आना, और इसमें कत्ल का कहीं दूर दूर तक जिक्र भी नहीं है, इस सिवाय रवाफिस के झूठ के और कुछ नहीं है। तो बाज़ रावियों ने लिखा कि अच्छा हम आयशा को डिफेंड कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में तो वही है ना जिन्होंने हजरत हसन को अपने हुजरे में दफन होने की इजाजत भी नहीं दी। अल्लाहु अकबर, क्या क्या फितने हैं, क्या क्या बकवासात। आइए इनकी अपनी किताबों से दिखा देते हैं कि इनके अपने मुअर्रखीन ने क्या तारीख लिखी है। यानी जब हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी लम्हा हयात की बात है तो उस जमाने में हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपने नाना के पहलू में दफन होना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना। इसलिए हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा जो हजरत हसन की नानी है अपनी नानी के हुजूर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भेजा। अब इसके अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां बनाई कि माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम हजरत आयशा ने इजाजत नहीं दी, और फिर मरवान इब्ने हकम तक बात पहुंचा दी, और फिर मरवान ने ये किया और मरवान ने वो किया। अब चक्कर सारा यही होता है ना कि हमारे यहाँ लोग तारीख पढ़ते नहीं, तो अब नतीजतन वो अजीबो गरीब सी बातों पर बिलीव करने लगे। तो जब उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा से जब उन्होंने हुजरा नबी में दफन होने की इजाजत चाही तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। इजाजत मिलने के बाद भी हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एहतियातन फरमाया कि मेरे फौत होने के बाद दोबारा इजाजत लेना। ये वही था, ये वही तरीका कार था, ये सुन्नत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थी कि हजरत उमर ने भी अपने बेटे से यही कहा था कि हजरत आयशा की इजाजत जब मिल गई थी कि उनसे दोबारा पूछना मेरे फौत होने के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खलीफा वक्त हूँ इसलिए इजाजत दे दी, अब जब खलीफा नहीं रहूंगा और कोई और खलीफा हो जाएगा तब भी इजाजत मांगना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे फौत होने के बाद दोबारा इजाजत लेना। हजरत हसन ने फरमाया मुमकिन है कि मेरी जिंदगी में मुरव्वत से इजाजत दे दी, अगर दोबारा इजाजत मिल जाए तो रोदाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में दफन करना, मुझे खतरा है कि इसमें बनू उमैया मुजाहिमत करेंगे, अगर मुजाहिमत की सूरत पेश आए तो इसरार ना करना, इसको झगड़ा ना बना लेना। अल्लाहु अकबर, और मुझे बकीउल गरखत में दफन कर। अब आप ये देखें इजाजत का मिलना, इसमें एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता है वो भी मैं आपको बयान करूंगा। इजाजत का मिलना हजरत हसन की अपनी हयात ही में साबित है, और ये मैं आपको दे रहा हूँ, दो किताबें दे रहा हूँ, एक तो इस अल इस्तियाब है जिल्द एक सफा 145, दूसरी शिया हजरात के एक तारीख दान है मसऊदी के नाम से मशहूर है, उनकी मुरव्विजु ज़हब है उसकी जिल्द 3 सफा 380। और अब वो और बात है कि तारीख में इख्तिलाफ है कि 49 हिजरी थी कि 50 हिजरी थी, बाज ने कुछ और तफसीलात भी रखी हैं। रबीउल अव्वल का महीना था और उस वक्त वफात के वक्त उम्र 47 इयर्स थी या 48 साल थी, व्हाटएवर इज द केस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वफात के बाद ये भी सुने, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, इमाम हुसैन ने वसीयत के मुताबिक दोबारा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से इजाजत मांगी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने
फिर फराख दिली के साथ इजाजत अता कर, दोबारा इजाजत मरहमत फरमा। लेकिन हजरत हसन का जो खतरा जो था ना, आपने कहा था वो सही निकला। मरवान को जब इसकी खबर हुई तो उसने कहा कि हजरत हसन किसी तरह रोजा नबवी में दफन नहीं किए जा सकते। तो अब उसने मुजाहिमत, और हजरत हसन ने उस बात को पहले ही बता दिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम मुकाबला करना चाहते थे कि मरवान को बताएं क्या कहते हो तुम, और करीब था कि मदीने में एक दफा फिर खून जो है वो हो जाए। मगर उस जमन में, उस दौरान हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब खबर हुई तो आप पहुंचे और आपने कहा, ये क्या जुल्म है, ये क्या जुल्म है कि इब्ने रसूल को उसके नाना के पहलू में दफन करने से रोका जाता है। फिर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इसके लिए कुछ तो खून से क्या फायदा, क्या आप हजरत हसन की वसीयत भूल गए? उन्होंने क्या कहा था कि अगर खूनरेजी का खतरा हो तो मुझे आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दे। याद रखे ना, जिस हजरत इमाम हसन की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिसके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया था कि ये वो आदमी है कि जो मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करे। इस रिवायत से क्या बात साबित हुई कि मुसलमानों की अजीम जमातों के दरमियान जो इमाम हसन ने सुलह की, एक तो इमाम हसन की जमात थी, दूसरी किसकी थी, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की थी। तो वो लोग जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बकवासात करते हैं, उनके मुंह पे टेप तो ये रिवायत ही काफी है। चाहे उनका ताल्लुक इंजीनियरिंग के बातिल फिरके से हो या किसी और फिरके दाल्ला से हो या रवाफिस से हो किसी और से हो, कि हुजूर ने दोनों जमातों को मुसलमानों की जमात कहा है। समझ आई बात? अब तुम जो मर्जी चाहे कहते फिरो, तुम्हारा कहा कूड़े में फेंकने के काबिल है, क्योंकि हुजूर ने कह दिया दोनों जमातों को मुसलमानों की जमात। बात खत्म हो गई। तो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी से जो इम्पोर्टेंट नुकता है वो ये है कि आपने अपनी जिंदगी में भी सुलह फरमाई और आपकी वफात के बाद भी आपने कहा मेरी वजह से ऐसा ना हो कि मुसलमान आपस में लड़ पड़े, और वहां भी सुलह का पैगाम आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब यही वो मौका था कि इस मौके पर अहले बैत के दुश्मनों ने, मैं अहले बैत के दुश्मन कहूंगा उन लोगों को जिन्होंने हजरत आयशा के बारे में ये बात घड़ी कि उन्होंने इजाजत नहीं दी, क्योंकि अहले बैत के दुश्मन इसलिए क्योंकि अजवाज नबी भी तो अहले बैत है, हुजूर की बीवियां भी तो अहले बैत है। इस पर तो कुरान में से कितनी दलाइल मैं आपको दे चुका कि हुजूर की तमाम अजवाज भी अहले बैत, हुजूर की औलाद भी अहले बैत, और हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन को अहले बैत में दाखिल करने के लिए वो हदीस किसा है जो हम बड़ी तफसील से पहले पढ़ते। तो याद रखो इस बात की कि हजरत आयशा ने इजाजत नहीं दी, ये से बेबुनियाद बात है जो रवाफिस ने घड़ी। ये उसी तरह है जैसे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हसन के दरमियान जो शराइत तय हुई थी उनमें से जो घड़ी हुई शर्तें हैं उन पर भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, जिसको बेसिस बना के इंजीनियरिंग जो इंजीनियर मिर्जा का बातिल कैंप है वो भी बड़ा उछलता नजर आता है, क्योंकि वो पसे पर्दा तो रवाफिस है ना, रावजी हैं या रावजी फहम रखते हैं, वो मुशाजरात बैन सहाबा से मशहूर होने वाले लोग, बेसिकली इन्होंने अपनी तशहीर के लिए सहाबा के आपसी मामलात को उछाला है। तो सस्ती शोहरत सहाबा के नाम पर हासिल और अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करने वाले लोग, क्योंकि वो लोग हैं सहाबा कराम कि जिनके बारे में अल्लाह का कुरान काफी है, सूरह तौबा की आया नंबर 100 हमें काफी है, इसलिए ऐसे भोपुओं से और इनकी इत्तबा से अल्लाह बचाए। बहरहाल ये हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बदनाम करने के लिए घड़ी गई रिवायतें हैं और इसकी कोई असलियत नहीं, जस्ट सो दैट यू नो। इसलिए मैंने आपको इस्तेयाब के साथ साथ मुरव्विजु ज़हब जो मसऊदी की लिखी हुई किताब है उसका भी रेफरेंस दे दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि ये बात यहाँ भी है तो वहाँ भी है कि इजाजत मिल गई थी। तो अब जब ये मामला हुआ तो इस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्सा ठंडा हुआ जब हजरत अबू हुरैरा ने ये बात कही, और बनु उहमैया और बनु हाशिम में जंग होते होते रहे। इसके बाद सईद बिन अल आस, ये सईद बिन अल आस जो है उस वक्त आमिले मदीना थे, सईद बिन अल आस जो है वो आमिले मदीना थे, तो उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नतुल बकी में उनकी वालिदा माजिदा फातिमा जहरा सलामुल्लाहि अलैहा रजी अल्लाह अन्हा के पहलू में सुपुर्द खाक की। तो वहाँ माँ बेटे की कब्रें साथ साथ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह
अल्लाह अकबर, या वहाँ पर भी देखे ना अल्लाह की तरफ से क्या खूबसूरत इंतजाम है ना। अहले बैत यहाँ भी दफन है, अजवाज भी वहीं दफन है, अजवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दफन है, और अल्लाह ने शेखैन को वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जगह दी। ये अल्लाह के इंतजाम होते हैं, इस पर बस चूं चूं करने वाले जो है ना वो अल्लाह के किए इंतजाम पर खुश ना होने वाले बदबख्त ना शुक्र लोग होते। और ये तमाम तफसीलात जो है ये अल-इस्तियाब में मौजूद है, उसदुल गाबा में मौजूद है, उसदुल गाबा की जिल्द 2 सफा 15 पर, इस्तियाब की जिल्द 1 सफा 145 पर। तो हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु का रोदा नबी के बजाय बकी गरकत के कब्रस्तान में दफन किया जाना भी हजरत हसन के रूहानी तसरुफ का नतीजा था। इसमें भी एक रूहानी पहलू निकलता है जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जिस पैकर सुलो आश्ती ने जिंदगी में मुसलमानों के खून की कीमत पर दुनियावी जाहो हशमत हासिल करना पसंद न किया और खुरेजी से बचने के लिए सल्तनत और हुकूमत जैसी चीज को दे दिया, तो उसने उनका उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी उनका ये करिश्मा था कि रोजा नबी के मुकाबले में बकी में दफन होना पसंद किया, लेकिन अपनी वजह से मुसलमानों का एक दूसरे के ऊपर तलवारें निकालने को पसंद ना फर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की करोड़ों अरबों खरबों रहमतें हों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम वबारिक अला सय्यदिना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। याद रखना कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफात हुई तो मदीने में घर घर सफे मातम बिछ गई, बाजार बंद हो गए, गलियों में सन्नाटा छा गया। बनी हाशिम की औरतों ने एक महीने तक सोग मनाया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबी में खड़े पुकार पुकार कर कहते थे कि लोगों आज खूब रो लो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का महबूब दुनिया से उठ गए। और ये तफसीलात भी तहजीबुल तहजीब की जिल्द 2 सफा 301 पर मौजूद। फिर तहजीबुल कमाल के पेज 89 पर आता है कि जनाजे में इंसानों का इतना हुजूम था कि इससे पहले मदीने में कम देखने में आया था। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम मबारक अला सय्यदिना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।